गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड गाइज, आज हम लोग एक बार फिर से श्यामदा के फार्म हाउस में, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये श्यामदा का फार्म हाउस जो कि थल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर लाल घाटी के पास में। एंड गाइज, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको फूल दिखाए थे यहाँ पे, जो लीलियम के फूल लगाए हुए थे, और अभी आप देख रहे हैं सारे फूल खिल चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरे फूल खिल गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे खिले हुए। बट ये फूल जो है सारा वेस्ट हो गया है अभी, क्योंकि इनको बाहर बड़े बड़े शहरों में एक्सपोर्ट किया जाता था, और इससे जो इनकम होती थी वो सारा अभी जीरो हो गया है, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है अभी। बट कोई ना, आप सभी को पता है जो करंट का सिनेरियो चल रहा है, इसमें इंसान का सुरक्षित रहना ही एक बड़ी बात है, और ऐसे में फिर फूल वेस्ट होना तो नॉर्मल सी बात है। अगर इंसान सुरक्षित है तो फिर वो फूल तो फिर और लगा सकते हैं, और उसके बाद पैसा वैसा भी आराम से फिर कमा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इतने प्यारे से फूल यहाँ पे खिले हुए हैं, बट इसके पीछे जितनी मेहनत की हुई थी सारी अभी लॉकडाउन की वजह से बेकार हो गई है। ये फूल अभी किसी काम का नहीं रहा यहाँ पे। तो गाइज, एक्चुअली आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे मछली पकड़ने। मछलियाँ तो इस तालाब में भी है, बट अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में, क्योंकि यहाँ पे अभी मछलियाँ छोटी है। नीचे नदी है, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे, वहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे और फिर मच्छी भात फिश राइस बनाएंगे हम लोग वहीं नदी में। तो चलिए, मेरे साथ में श्यामदा हैं और दो भाई लोग और हैं, मिलाते आपको उनसे भी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं मछली मारने, और मेरे साथ में आज श्यामदा हैं और पप्पू भाई है, और एक दादी हमारे साथ, जो नाम दीपक दादी हमारे साथ है। तो ये जाल है हमारा, इससे मछली मारेंगे। चलिए भैया बताएंगे आपको कैसे मछली पकड़नी है अभी। आज हम ऐसे मच्छी मारेंगे, ये इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लगाएंगे नदी में, और एक आदमी ऊपर से भगाएगा मच्छी, इसमें फंसेंगे नीचे। तो आज जाल में मछली पकड़ेंगे, आपको नदी में ही दिखाएंगे। चलिए, ये खाली टेलर है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर नदी में ही होगी पूरी। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि दीपक भाई ने बताया, यहाँ से लगभग 500 मीटर नीचे नदी है, तो वहाँ पे जा रहे, जाल वाल अपना सारा ले लिया और बर्तन वर्तन सारे पकड़ लिए, वहाँ पे मछली पकड़ेंगे और फिर वहीं पे फिश राइस बनेगा। तो संडे एंजॉय वहीं पे करेंगे हम लोग आज। चलिए, मिलता है आपको सीधे नदी में नीचे। गाड़ा नाम की भैया, चंद्रभागा माछ खाना पे, ये देखिए दोस्तों, ऊपर घना जंगल है और नीचे क्रिकेट का ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे नीचे पे नदी है। चलिए अब आपको सीधे नदी में मिलते हैं। ये री नदी, चंद्रभागा नदी, जो कि अभी भैया ने बताया था ऊपर सिराकोट की जड़ से, और ऊपर मंदिर है एक भागलिंग देवता का मंदिर, वहाँ से ये नदी आती है। ये देखिए, तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए नदी में, चंद्रभागा नदी में, और ये अपनी पूरी टीम सब यहाँ पे रेडी होते हुए मछली पकड़ने के लिए। ये नदी है, छोटी सी नदी है, बट मछलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है और काफ़ी टेस्टी होती है ये मछलियाँ। तो आज हम लोग मछली पकड़ेंगे यहाँ पे, और फिर यहीं नदी के किनारे बनाएंगे मच्छी भात। तो बने रहिए आप लोग, अभी थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं मछली पकड़ने की, फिर आपको मिलते हैं। पहला टास्क नदी क्रॉस करने का। नदी क्रॉस कर ली है, ये है चंद्रभागा नदी, और इसमें से हम लोग मछली पकड़ेंगे अभी जाल डाल के। तो भाई चलिए अब पकड़ते हैं मछली। भाई लोग नीचे जाल लगा रहे हैं वहाँ पे उस कॉर्नर पे नदी के, और यहाँ पे मैं मछली देख रहा था ऊपर पे, बट यहाँ पे तो है नहीं मछलियाँ, शायद नीचे से ही वहीं से पकड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी शिकारी तैयार हो रहे हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जाल वाल बिछा के शिकार का वेट करेंगे। तो काफ़ी प्रोफेशनल मछुआरे बन चुके हैं अभी ये लोग, बचपन से ही मछली पकड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पे।
इसकी कौन सी मछली है ये तो बताओ यहाँ। इसको बामण बोलते हैं, बामण मछली। अरे पबड़ियाल भी बोलता है कोई इसको। ये देखिए दोस्तों, ये मछली पकड़ी अपने भी और यहाँ डाल देते एक गिरी। ओए भाई चल बस अंदर, आज तो ये पूरा थैला भर के लेके जाएंगे। इधर ये देखिएगा, दो टाइप की मछलियां हैं। ये अजीब सी मछली है, इसको तो पकड़ने में भी डर लग रहा है। ओ भाई ये क्यों, भैया सीनियर है अभी मछलियाँ पकड़ लिए, वो थोड़ी सी कम उम्र थी, 1.5 किलो मछलियाँ तो होगी है, बट भाई लोग बोले और पकड़ते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मौसम भी सही है और मछलियाँ काफ़ी मिल रही है अभी यहाँ पे। तो पकड़ के साइड में फेंक रहे हैं, मैं बस थैले में भर रहा हूँ मछलियाँ। सही है आज की ड्यूटी अपनी, बाकी वीडियो तो बनी रहा है अपना मेन फोकस है वीडियो बनाने का। भैया तो भैया आप देख रहे हैं लगे हुए हैं भाई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मछलियों का, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, काफ़ी वेट करना पड़ता है मछलियों का, मछलियों को जाल में फंसने का, बट कोई ना आज का लंच तो हो जाएगा भैया। ये देखिए तो गाइस अभी वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे फिश राइस बन रहा है, अभी आग वाग जला ली है, बाकी मछलियों की सफाई वफाई चल रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी बन रहा है हमें। ये नदी है, नदी में काफ़ी पानी है, बट ये पानी पीने के लिए इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे समदा ने एक बताया था मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्रोत है पानी का, छोटा सा स्रोत है, बहुत ही कम पानी है, बट इसको हमने अभी यहाँ पे समदा ने इसको छोटा सा तालाब का शेप दे के पानी स्टोर कर लिया यहाँ पे, और अब इसमें ये पानी जो है ये पीने लायक है, तो यहाँ से पानी भरते हैं अब और फिर जाएंगे पीने के लिए और चावल वावल धोने के लिए और मछली को सफाई के लिए पानी यहाँ से भरते हैं, फिर चलेंगे वहाँ पे हमारी मछलियाँ बन रही है वो देखिए। सो पीने के लिए पानी इसको यूज करेंगे। तो भाई अभी यहाँ पे मछलियों की सफाई की प्रोसेस चल रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई लोग लगे हुए हैं, मछली का पेट फाड़ के इसके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकालनी है और फिर इसको पकाया जाएगा आग में। अभी कुछ मछलियाँ यहाँ पे इसको घर लेके जाएंगे, जो यहाँ पे बनानी है वो हमने यहाँ पे काट के रखी है, ये मछलियाँ यहाँ पे बनाएंगे। प्याज हमारा कट चुका है, बाकी तेल गर्म हो रहा है अभी। इस तरीके से जंगल में मछलियाँ होती है प्याज।
ये देखिए, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, मौसम बहुत ही घनघोर हो गया है, यहाँ पे बरसात होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो फटाफट से हम लोग इसको शॉर्टकट में बना रहे हैं अभी, और राइस तो रेडी है, बस फिश बननी बाकी है, और भाई लोग और फिश पकड़ ले अभी थोड़ा बहुत घर के लिए। तो जैसे ही ये रेडी होता है वो लोग भी आ जाएंगे, और फिर हम लोग खा खू के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो बने रहिए आप लोग। ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है अभी, ये जैसे कि चंदा ने बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर और इसमें हल्का फुल्का हल्दी में। तो गाइस ये देखिए अभी मसाला रेडी हो गया, मसाला और उस पर थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, ये सूप अभी रेडी हो गया है। ये आग जल गई अभी अच्छे से, तो ये गए इसके ऊपर। ये भाई मजा आ गया, चला गए ढक्कन, बस अब मस्ती हो जाएगी, 15-20 मिनट में रेडी। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे अपना लंच वंच कर लिया है, मछली हमने पकड़ी यहाँ से नदी से, चंद्रभागा नदी से, और फिर फिश राइस बना के हमने यहाँ पे खा लिया है। तो अपना पेट पूजा भी हो गई है, अब बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से ऊपर, जो फार्म हाउस है संधा के फार्म हाउस, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बाकी अगर मौसम सही रहा तो अभी यहाँ से गाँव निकलेंगे चुपड़ा खेत की ओर, अदरवाइज फिर आज यहीं पर स्टे करेंगे, कल मॉर्निंग में फिर हम लोग जाएंगे वापस। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करते हैं, और जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, और हमारे YouTube चैनल GMS जीवन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।